सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओरिजिन विट्स में, जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोज। तो आज हम बात करेंगे एक्वा बीक के बारे में, जैसे कि उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज, वो किस टाइप के अटैक्स कर सकता है एक्सेट्रा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को एंजॉय करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्पीसीज है 015 एक्वा बीक और इसकी पावर टाइप है वाटर और सोनार। इसका हैबिटेट है सी कैवर्न, कोरल रीफ और अंडरटो कैवर्न, और इसके घोल्ड फॉर्म को 015G एक्वा फ्रीक कहते हैं। इसका क्लास वैनगार्ड है और ये वाटर एलिमेंट से बिलोंग करता है, और इसकी रेयरिटी अनकॉमन है। एक्वा फ्रीक नीले, टर्कोइस और व्हाइट वाटर एलिमेंट्स लग होते हैं। वेलोसिटी में इसका अपीयरेंस एक डॉल्फिन जैसा होता है और एक ऑक्टोपस जैसे टेंटेंकल। एक पॉपुलर एक्वा बीक बीकर है जो कि लैक पास है और एक पावरफुल स्लग है। और अब बात करते हैं इसके अटैक्स के बारे में। ये अपने प्रोटो फॉर्म में अपने मुंह से पानी का कम अमाउंट फेंक सकता है। दूसरा है सीवी, जिसकी मदद से ये सोनार ब्लास्ट करता है जो कि इसके अपोनेंट को नॉकडाउन कर देता है, और ये एक अंडर वाटर अटैक है। तीसरा है इंक स्टिंग, जिसकी मदद से ये अपने अपोनेंट के ऊपर इंक का एक अंधा कर देने वाला क्लाउड छोड़ता है, और ये भी एक अंडर वाटर अटैक है। चौथा है एक्वा जेट, जिसकी मदद से ये एक फायर होस की तरह वाटर का एक जेट छोड़ता है। पांचवा है साइक्लोनाटोर, जिसकी मदद से ये एक घूमते हुए वाटर साइक्लोन के सेंटर में स्विम कर सकता है। और अब बात करते हैं इसकी मेगामॉर्फ एबिलिटीज के बारे में। ये एक मीडियम टाइडल वेव इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है और वाटर वेव भी शूट कर सकता है। और अब बात करते हैं इसकी फ्यूजन शॉट्स के बारे में। पहला है एक्वा बूस्ट, जिसमें फैंडैंगो और एक्वा बीक को एक साथ शूट किया जाता है। दूसरा है टायरिंग पल्स, जिसमें एक्वा बीक और इन्फर्नस को एक साथ शूट किया जाता है, जिससे एक टायरिंग पल्स निकलता है जो आसपास के सारे स्लग्स को थका देता है, जो कि एक्वा बीक एक अंडर वाटर स्लग है। उसके ज़्यादातर अटैक्स अंडर वाटर अटैक्स हैं। सरफेस पर लड़ने के लिए उसके पास सिर्फ दो मूव्स हैं, इसमें एक डायरेक्ट अटैक और दूसरा मल्टी टारगेट मूव, जिससे अपोनेंट स्लग सिंगर आसानी से एक्वा बीक को सरफेस पर हरा सकता है। हालांकि अंडर वाटर अटैक्स के लिए काफ़ी यूजफुल स्लग है, ये उन स्लग्स में से एक है जिसे पानी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए टॉर्पीडो सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस यार, आज का वीडियो यही तो था, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और सी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप बैटल फोर्स 5 में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये एलिमेंटल कितना पावरफुल है, तो मैंने अलग से इस पर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।